सुंदर धूप सड़ी में कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की बड़ी छापामार कार्रवाई। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने स्मगल शुदा छालिया की भारी खेप बरामद कर ली। स्मगल शुदा छालिया 8 मजदा गाड़ियों में लोड करके वेयर हाउस मुंतकिल कर दिया गया। कस्टम्स हुकाम की जानिब से ऐसा बताया गया है। स्मगल शुदा छालिया की मालियत 20 करोड़ रुपए से जायद बताई जा रही है। आपको बताएं कि सुंदर धूप सड़ी में कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की बड़ी छापामार कार्रवाई। कार्रवाई का मजीद अहवाल जानेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान नकवी, कस्टम एंटी स्मगलिंग की टीम ने खुफिया इतला पे सुंदर के इलाके में बड़ी छापामार कार्रवाई करते हुए वहां से छालिया की भारी खेप है जो कि वहां पे कायम एक गोदाम से बरामद की है। और यहां पे कस्टम्स की टीम ने 8 मजदा गाड़ियों में लोड करके ये छालिया ठोकर न्याजबेग के इलाके में कायम अपने वेयर हाउस में मुंतकिल कर दिया है। यहाँ पे कस्टम एंटी स्मगलिंग के इंस्पेक्टर इशफाक हमदानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमदानी साहब, ये बताइएगा कि ये कहाँ से पकड़ा गया छालिया और मालियत कितनी है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कलेक्टर कस्टम जनाब बासित मकसूद अब्बासी साहब की इतला पर मोहम्मद सईद भट्टू साहब एडिशनल कलेक्टर साहब ने आज सुबह एक टीम तश्कील दी जिसकी सरबराही सलमान जवेद साहब असिस्टेंट कलेक्टर, अली तौकीर साहब असिस्टेंट कलेक्टर कर रहे थे, बाकी दीगर इंस्पेक्टरान और अमला कस्टम एंटी स्मगलिंग वो हमारे साथ थे। और इतला ये थी कि यहाँ पे एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस एक गोदाम सा है, नामालूम सा, उसके नाम नहीं लिखा हुआ था आगे, कि इसके अंदर बड़ी मकदार में छालियाँ छुपाई गई है, गैर मुल्की स्मगल शुदा और गैर मियारी आई है। तो इस टीम ने बड़ी कामयाबी से वहाँ पर छापा मारा। अच्छा, ये बताएं इसकी मालियत कितनी? इसकी मालियत अभी तकरीबन जो है ना 20 करोड़ से ज़्यादा है जी। ये कहाँ से लेके आते हैं? ये मुख्तलिफ जगहों से आती है जी, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी आती है वहाँ पे, फिर इन्होंने जमा डंप की हुई थी क्वेटा से, इस तरह से पेशावर से इलाकों से लेके आते हैं जी। बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि ये 20 करोड़ रुपये से जायद मालियत की छालियाँ है जो कि मुख्तलिफ इलाकों से, क्वेटा, पेशावर समेत दीगर इलाकों से थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में ला के यहाँ पर गोदाम में डंप की गई थी, जबकि कलेक्टर कस्टम की खुफिया इतला पे छापामार कार्रवाई करते हुए ये छालिया की भारी खेप है जो कि बहके सरकार जब्त करके यहाँ पे मुंतकिल कर दी गई है जी। भारी खेप जब्त कर ली गई है। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। स्टोर्स कॉरपोरेशन ने मसाला जात, डब्बे के दूध, जेली, कस्टर्ड समेत दीगर अशिया की कीमतों में 5 रुपए से 50 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। तफसीलात जानिए हसन अली की रिपोर्ट में। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। शहर के मार्केटों और बाजारों के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई बम गिराने का सिलसिला जारी रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड के मसाला जात की कीमतों में 5 रुपए से 50 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया, जबकि डब्बे के दूध की कीमत में 10 रुपए फी लीटर और मुख्तलिफ ब्रांड की जेली, कस्टर्ड समेत दीगर अशिया की कीमतों में 10 से 20 रुपए का इजाफा किया गया है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ तो हुकूमत